ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास दो फैक्टर हैं, x माइनस टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा चाहिए हमको, पॉजिटिव चाहिए। किन दो फैक्टर्स का, एक एक्स माइनस टू और एक एक्स माइनस फाइव, इन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या चाहिए, वो हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा वो पॉजिटिव कब हो सकता है? आप कहेंगे सर पहला फैक्टर पॉजिटिव हो, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, पहला फैक्टर नेगेटिव हो दूसरा फैक्टर नेगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। आई होप मेरी आवाज यहां पर सभी को आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस ओके, तो मैंने यहाँ बच्चों दो नंबर लाइन बनाई है, आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो मैंने बेटा सबसे पहले एक्स माइनस टू को जिस तरह से पिछली टर्म पे कंसिडर किया था, अभी हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि एक्स माइनस टू का पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम एक्स दो से बड़े डालेंगे तो एक्स माइनस टू का फैक्टर पॉजिटिव होगा, और अगर हम एक्स दो से छोटे डालेंगे तो एक्स माइनस टू का फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने आपको बात पिछले टर्म पे बताई थी। सिमिलरली बच्चों अगर हम यहाँ पे फाइव लिखते हैं और अगर हम कहते हैं यहाँ पर अगर हम फाइव से बड़े एक्स डालेंगे तो ये फैक्टर बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस फाइव वाला, और अगर हम एक्स माइनस फाइव वाले फैक्टर में एक्स फाइव से छोटे डालेंगे तो ये फैक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों अब हमको दो अलग अलग साइन बना तो लिए हैं लेकिन हमको अलग अलग नहीं देखने हैं, हमें इन फैक्टर्स का क्या दिया गया है बच्चों, हमें इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। प्रोडक्ट का मतलब अब हमको ये दो साइंस अलग अलग ना देख करके इनको एक साथ देखना है। एक साथ का मतलब इन दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दो, इन दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दो। जैसे ही आप इन दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट सिचुएशन समझ में आएगी कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर आप इसको ओवरलैप नहीं करा रहे हैं तो आप इस तरीके से एक सपोर्टिंग लाइंस जो अभी मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है वो सपोर्टिंग लाइंस बना सकते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हमें इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, और सर ऑलवेज पॉजिटिव कब हो सकता है, जब पहला फैक्टर भी नेगेटिव हो और दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव हो। तो बच्चों हमने कहा यहां पर देखो, दो से पहले कौन सा रीजन है, उस रीजन को मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखो बच्चों ये दो से पहले वाला रीजन है। तो बच्चों देखो ये दो से पहले वाले रीजन मतलब जब एक्स दो से छोटा होगा उसमें पहला फैक्टर भी नेगेटिव है और दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जिस रीजन को मैं बार बार सर्किल कर रहा हूं वो दो से छोटे वाले एक्स है, उस वाले एक्स के लिए दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमको पॉजिटिव आंसर तो चाहिए। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि अगर एक्स टू से छोटा हो, टू से छोटा होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस इंफिनिटी से टू के बीच में जो भी एक्स होंगे उसमें ये दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, फिर से बच्चों दो से पांच के बीच में अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला फैक्टर पॉजिटिव है दूसरा फैक्टर नेगेटिव है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि लेस देन जीरो, वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर तो कैसा है बच्चों, हमारा आंसर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब बच्चों जो दो से पांच के बीच का रीजन है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्रोडक्ट कैसा हो जा रहा, प्लस इनटू माइनस माइनस हो। उसके बाद देखो बच्चों अगर हम पांच के आगे देखेंगे तो पांच के आगे यानी पांच से बड़े एक्स अगर हम डालेंगे तो दोनों कैसे हैं, दोनों नंबर लाइंस पे दोनों का साइन पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बच्चों ये हमारे काम का आंसर है, ये काम का आंसर हुआ। तो उसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब पहला आंसर भी हमारा मान्य हो गया और दूसरा आंसर भी मान्य हो गया। फाइव से इंफिनिटी यानी फाइव से बड़े एक्स जितने भी होंगे वो उसका सॉल्यूशन सेट होंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है,
क्या सॉल्व किया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, जिसका आपने सॉल्यूशन सेट क्या निकाला है, जो अभी मैंने लिखा, ये सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x belong to minus infinity से 2 union 2 से union 5 से infinity. I hope ये सबको क्लियर हो गया होगा. अब बच्चों अभी आप हमसे कह रहे थे कि सर इसका शॉर्टकट क्या है, तो बेटा जो शॉर्टकट होता है उसको हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड. क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड. इस मेथड को जानने के बाद आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही सुगमता पूर्वक आसानी से कर लेंगे. चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, लेकिन वेवी कर्व मेथड क्या बताता है उसके तरीके से करते हैं. तो बच्चों हम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिखते हैं. क्वेश्चन हमारा क्या था, x माइनस टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर है, यही हमने क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है. अब हम नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों. चलो नंबर लाइन बनाए, ये देखो बेटा नंबर लाइन हमने बना ली. अब बेटा नंबर लाइन बनाने के बाद अगर आप लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पे लिख दीजिए प्लस इंफिनिटी, ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें. अब बच्चों देखो यहां पर हम यहां पर वेवी कर्व मेथड में एक ही नंबर लाइन बनाते हैं और सारे फैक्टर्स को देखते हैं. तो पहला फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर है बच्चों x माइनस टू, तो जो भी फैक्टर होगा उसको जीरो कर देते हैं, वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको लिख लेते हैं. दूसरा फैक्टर है x माइनस फाइव, उसको जीरो कर देंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे. यानी पहला फैक्टर दो के अबाउट साइन चेंज करेगा, दूसरा फैक्टर फाइव के अबाउट साइन चेंज करेगा. अब बेटा ये जो दोनों फैक्टर से जो पॉइंट्स आए हैं इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, इनको नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं. अरेंज करने के बाद फिर काम बहुत आसान हो जाता है. वेवी कर्व मेथड ये कहता है जो सबसे आखिरी पॉइंट है जैसे फाइव, वहां पे आप इस तरीके से एक एरो बनाइए और वहां लिख दीजिए प्लस. अगर स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है फिर आप जंप करिए, फिर आप जंप करके लिख दीजिए माइनस, फिर जंप करिए, फिर आप लिख दीजिए प्लस. तो वेवी कर्व मेथड कहता है कि स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से करेंगे और सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस, फिर जंप करेंगे दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक जाएंगे माइनस, फिर जंप करेंगे और कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं तो पूरा प्लस हो जाएगा. तो ये बेटा इस तरीके से आप कर सकते हैं. अभी आप घबराइएगा नहीं, अभी हम इसके काफी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको जनरल मेथड क्लियर हो जाएगा कि वेवी कर्व मेथड को यूज करके जल्दी जल्दी इनइक्वालिटीज के आंसर कैसे निकालते. तो ठीक है बच्चों अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है. तो बच्चों अभी हमने क्या बताया था कि हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए. पॉजिटिव का रीजन मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर प्लस पार्ट हो. तो प्लस पार्ट कहां पर है, फाइव से बड़े पर है और दो से छोटे पर. तो बच्चों हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. इसका आंसर हो गया बच्चों एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से टू, क्योंकि वहां पे प्लस साइन है, यूनियन फाइव से इंफिनिटी. तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया जिसके मैं अभी कई सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं ऑलरेडी आपकी सामने. तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, आपको और क्वेश्चंस भी समझाता हूं. ठीक है बच्चों देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और फिर से हम क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं. देखो बच्चों क्वेश्चन है बच्चों x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो. ये बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने. अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब आपको ये करना है कि तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो, ऑलवेज नेगेटिव हो. तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्लस इंफिनिटी और इधर लिखेंगे माइनस इंफिनिटी. इतना करने के बाद बच्चों हर क्रिटिकल पॉइंट को जीरो करेंगे, पहले को दूसरे को तीसरे को सबको जीरो करेंगे. तो सबसे यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, एक बार एक्स की वैल्यू आएगी वन, एक बार आएगी माइनस वन और एक बार एक्स की वैल्यू आएगी थ्री. ठीक है तो बच्चों यहां पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वन. कोई भी हमको मैसेज ना करे जो उससे हमसे बात करनी है तो अपना अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात करें क्योंकि हम आपके मैसेज अभी रीड नहीं कर सकते. ओके माइनस वन, उसके बाद वन और उसके बाद थ्री. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस। तो स्टार्टिंग बच्चों राइट हैंड साइड से होती है प्लस, और फिर जंप करते चले जाते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन के आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो माइनस पे ही जाके रुक गया। अब बच्चों यहां पर हमको कैसा रीजन चाहिए, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव रीजन चाहिए। और जब नेगेटिव रीजन चाहिए होगा तो हम आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, जहां पर माइनस माइनस साइन है। तो माइनस साइन कहां कहां पर है, तो दिस इज आंसर एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से थ्री। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको आंसर कैसा चाहिए था बच्चों, लेस देन जीरो चाहिए था। ओके ओके किसने कोई मैसेज भेजा है, सर टेंथ में हम लोग सॉल्यूशन सेट सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, अब उसका कोई स्टैंड नहीं बचा है क्या? नहीं बेटा, वो वैसे नहीं लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। अभी बच्चों हम सेट नहीं कर रहे हैं, बेटा कार्तिक नाम है ना आपका, अभी बच्चों हम सेट नहीं पढ़ा रहे, ना सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा रहे, ना रोस्टर फॉर्म पढ़ा रहे, अभी हम आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है ना। जब हम सेट पढ़ाएंगे तो सेट की बात करेंगे, अभी हम आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना बता रहे हैं, ये सेट नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज। अगर आपने सेट्स पढ़े हैं बेटा क्लास 11th में, तो आपके पास डोमेन और रेंज के भी क्वेश्चंस आए होंगे, उसमें इस तरह की इनइक्वालिटीज थी, ठीक है ना। तो ये चीज, तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकाला है। किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ हो तो अभी हम दोबारा फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको देखिए, दोबारा हम करते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों x माइनस वन एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस फाइव होल डिवाइड बाय टू एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन या लेस देन जीरो कर देते हैं, लेस देन जीरो। तो बच्चों ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है। इसका सॉल्यूशन सेट आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखो बच्चों ये है आपकी एक नंबर लाइन, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बच्चों माइनस इंफिनिटी और यहां पे लिखेंगे प्लस इंफिनिटी। तो बच्चों जब हम यहां पर हर फैक्टर को जीरो करेंगे तो यहां पे सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट आएगा माइनस फाइव बाई टू, उसके बाद आएगा वन और उसके बाद आएगा टू। और बच्चों जब हम इसको नंबर लाइन पर अरेंज करने के बाद वेवी कर्व पैटर्न लगाएंगे तो इस तरह से देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बच्चों जहां जहां अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो हम आंसर लेते पॉजिटिव वाला, लेस देन जीरो है तो जहां पर माइनस माइनस है वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, वो हुआ एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव बाई टू यूनियन वन से टू। तो मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सर ने आंसर किस तरह से लिखा है, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो वो हमसे पूछ सकता है, हम दोबारा भी बताने के लिए तैयार है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका x माइनस वन होल डिवाइड बाय x प्लस फोर ग्रेटर देन टू। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, आप ध्यान से देखिए इसको। तो बच्चों अब मैंने आपको पिछले टर्म पे पॉइंट बताया था कि इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो, यानी कि आपको श्योर करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर एक्स प्लस फोर है, आपको पता ही नहीं कब वो पॉजिटिव है कब वो नेगेटिव हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब आपको 100% श्योर हो कि आपका नंबर पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में टू को उधर ले आएंगे और ये हो जाएगा माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चों हम इसको धीरे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस एट होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स माइनस नाइन होल डिवाइड बाय एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर देखो एक समस्या आ गई है। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि जो एक्स के कोफिशियंट होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है उसमें एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव बनाने के लिए आप इनइक्वालिटीज में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो बच्चों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी कि ग्रेटर का लेस देन। उसके बाद बच्चों जो आपको सिखाया गया है आप उसको फॉलो करिए और यूज करिए, यानी कि आप लगाइए वेवीज कर्व मेथड। तो बच्चों आपके कौन कौन से पॉइंट है, एक है माइनस नाइन और एक है माइनस फोर, यहां लिखेंगे आप प्लस इंफिनिटी और यहां लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, और अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे बताया था सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस, फिर आप लिखेंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे प्लस। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन से डायरेक्टली निकल के आ जाएगा x बिलोंग टू माइनस नाइन से माइनस फोर। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होगा, हर बच्चा समझ पा रहा होगा कि सर किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते चले जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा भी देख लेता हूँ कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभिनीत, आकांक्षा, आकर्षण, आशी, आशुतो, आशु त्रिवेदी, कार्तिक, ओमर, मोहम्मद, प्रिया, ऋषि, शशांक, श्लोक, किसी को कोई समस्या हो तो उनसे पूछ सकता है। ओके आकांक्षा, तुमको बेटा मेरी आवाज आ रही है? आकांक्षा ओके बेटा, आशी तुमको आवाज आ रही है? यस सर। ओके आशी तुमको समझ में आया बेटा अभी तक जितना पढ़ाया है? यस सर। ओके गुड, ऋषि आपको समझ में आया? ऋषि ऋषि यस सर यस। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूं, तो x x प्लस वन x माइनस थ्री ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है करने का, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हूं तो मैं एक क्वेश्चन के जैसे चार चार क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए। तो मैं अब यहाँ बच्चों देखो, सबसे पहले एक फैक्टर है x, तो x भी तो एक फैक्टर है। अगर आपको ये जो मैंने x स्टार्टिंग में लिखा है अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस जीरो। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे तीन क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक माइनस वन, जीरो और थ्री। इसको नंबर लाइन पे अरेंज करिए, सबसे पहले आएगा माइनस वन, जीरो और थ्री, और बच्चों हम इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बच्चों यहां पर तुम्हें सबसे पहले जो आंसर लिख रहे थे पहले लिख लो, तो तुम लोग लिखोगे सर एक्स बिलोंग टू माइनस वन से जीरो यूनियन थ्री से इनफिनिटी। तो ये आपका आंसर तब होता जब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। जब बच्चों ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है तो मेरे को देखना पड़ता है कि ये कब कब जीरो हो सकता है। तो तुम कहोगे सर x को जीरो डालेंगे तो भी जीरो हो सकता है, x को माइनस वन डालेंगे तो भी जीरो हो सकता है, x को थ्री डाल देंगे तो भी जीरो हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स हटा करके उन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, माइनस वन भी इंक्लूड हो गया, जीरो भी इंक्लूड हो गया और थ्री भी बच्चों इंक्लूड हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि जब पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाते। ओके, तो सभी बच्चों को यहां तक सारा काम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए, तो अगर किसी बच्चे ने डोमेन और रेंज और फंक्शंस लगाए होंगे तो ये कुछ बच्चे थे वो कहते हैं हमने काफी आगे तक कर लिया है, अगर लगाए होंगे तो उनको आगे का पार्ट और ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो।
तो बच्चों आप क्या लिखते थे इसको, आप बच्चों टेंथ क्लास में लिखते थे कि x square minus 4 greater or equal to 0 है, तो आप लिखते थे x is greater or equal to 2 लिखते थे, जो आपका पूरी तरीके से गलत होता था। आंसर पीछे सही आ रहा होता था, लेकिन आप जो लिख रहे होते थे उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते थे कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर और इसके फैक्टर कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर देंगे बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब आपको अपनी मिस्टेक याद आ गई होगी क्लास 10th वाली कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी। अब बेटा यहाँ पर लिखेंगे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, उसके बाद पॉइंट्स को अरेंज करेंगे माइनस टू टू, उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो भी चाहिए, इक्वल टू जीरो भी चाहिए, इसका मतलब आप पॉइंट्स क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे, माइनस टू और टू दोनों को इंक्लूड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू क्या चाहिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। ये देखो बच्चों मैंने माइनस टू पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है और उसको इंक्लूड कर दिया, यूनियन क्लोज ब्रैकेट टू से इंफिनिटी। ओके, हर बच्चे को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि सर ने इसका आंसर किस तरह से लिखा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लगा रहे, तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा क्वेश्चंस इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते जा रहे हैं। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना काफी आसान काम होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जो मैंने मेथड बताया है उसको यूज करिए। चलो अब बेटा, अगर दो इनइक्वालिटीज हो, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न सेम चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पैटर्न बदल गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका उसमें लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, हेडिंग लिखिए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। तो बच्चों यहां पर आपके पास दो इनइक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो और दूसरी है एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे दो इनइक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद वो आप आंसर एक्सेप्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, यानी कि कॉमन। जब कॉमन होता है तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। दो चीजें होती हैं, अभी जो आप देख रहे थे ऊपर की तरफ उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनियन। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हमें वही एक्स निकालने होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। ओके, तो कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन वो आज मैं आपको समझाऊंगा। चलिए तो सबसे पहले वाली इनइक्वालिटी को बच्चों हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाली इनइक्वालिटी अभी हमने बताई कि इसको आप इस तरह से लिखेंगे x plus 3x minus 3 greater than 0, एक नंबर लाइन आप अरेंज करेंगे जैसे मैंने तरीका बताया है। नंबर लाइन आप अरेंज करिए, नंबर लाइन अरेंज करने के बाद उसमें आप लिखते चले जाइए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ बच्चों माइनस 3 और यहाँ बच्चों प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया प्लस, फिर बच्चों हो गया माइनस, फिर हो गया प्लस, ठीक है बच्चों। अब इसका बच्चों सॉल्यूशन सेट लिखिए, क्या आएगा सॉल्यूशन सेट, आप कहेंगे सर ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स बिलोंग टू आएगा माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन थ्री से इनफिनिटी। तो बच्चों ये सब को आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वाली इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वाली इनइक्वेशन क्या है वो भी लिखिए हमारे साथ, वो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों ये दूसरी इनइक्वेशन है, जरा कोई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के फैक्टर कर ले और मेरे को बता दे क्या आ रहा है। इसके जब फेटा फैक्टर करोगे तो उसके फैक्टर आएंगे x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इतने फैक्टर सभी बच्चों को आते होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के।
फैक्टर करने के बाद बेटा आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालिए, जैसे मैंने तरीका बताया है। आप एक छोटी सी नंबर लाइन बनाइए और सॉल्यूशन सेट का आंसर लिखिए। कैसे लिखेंगे यहाँ? सबसे पहले लिखेंगे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पर आएगा बच्चों वन, ये टू, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? x बिलोंग टू, इसका सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग टू क्या आएगा? ओके, x बिलोंग टू क्या आएगा बच्चों बताओ? माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी, तो ये बच्चों सॉल्यूशन सेट आएगा। अब बच्चों यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब आप दोनों के लिए वही एक्सेप्ट करेंगे जो दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम यहाँ पे आज आपको सिखा रहे हैं कि इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। चलिए देखिए बच्चों इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाता है, आइए देखिए। कॉमन एक्स कई लोग तो देख के भी बता देते हैं कि दोनों में क्या है, लेकिन कई लोग नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको अलग से सिखा रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों इधर हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पे देखिए, और ये मेथड आपको हमेशा यूज करना होगा। ये मैंने पहली नंबर लाइन अरेंज कर दी है, ये बच्चों दूसरी नंबर लाइन अरेंज कर दी। ठीक, देखो बच्चों सभी लोग ध्यान से देखना यहाँ पर। हाँ तो बेटा पहले का सॉल्यूशन सेट क्या है? यहाँ पे लिखिए माइनस थ्री, मैं दोबारा लिखता हूं उसको, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस थ्री थ्री। तो अब हम सॉल्यूशन सेट को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन क्या है? माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन थ्री से इंफिनिटी, देखो मैंने डार्क कर दिया उसको। और दूसरा वाला सॉल्यूशन कहाँ है? वन से टू के बीच में। आइए वन और टू मेरे को लिखवाइए जरा, मैं वन और टू लिखू। वन कहाँ आएगा? वन आएगा माइनस थ्री के आगे। ठीक है, ये देखिए मैंने वन भी लिख दिया माइनस थ्री के आगे। ओके, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, वेट करो। मेरी स्क्रीन पे देखिए दूसरी नंबर लाइन में अरेंज कर रहा हूँ, उसमें वन है और टू है, टू भी थ्री से पहले होगा, वन माइनस थ्री के आगे होगा। अब बेटा इसका सॉल्यूशन सेट जरा मार्क करो, दूसरी वाली इक्वेशन का क्या है? माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी। तो बच्चों तुम खुद ही देख लो कि इसमें कॉमन रीजन कहां पर है। इसमें कॉमन रीजन किसी को समझ में आ रहा है कहां कहां है? दोनों को अगर नंबर लाइंस को देखें तो उनमें कॉमन रीजन कहां है? तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि कौन सा रीजन कॉमन है, ये वाला रीजन देखो माइनस थ्री तक कॉमन है दोनों में, और देखो थ्री के आगे यहां से रीजन दोनों में कॉमन है। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने अभी अभी आपके सामने बनाया, माइनस थ्री से देखो ये ग्रीन लाइन माइनस थ्री से दोनों में कॉमन है, और ये देखो ये ग्रीन लाइन थ्री के आगे दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन हो गया। यही आपको आंसर निकालना था। अब मैं आंसर को लिख देता हूं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन थ्री से इंफिनिटी। तो आपको इंटरसेक्शन लेने आ गया होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से दो सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस को सॉल्व किया और कॉमन एक्स निकाला, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों को सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Sir, last question ही आया सर, वो लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या बेटा? इंटरसेक्शन लेना। Yes, sir. इंटरसेक्शन लेना का मतलब बेटा जो तो कॉमन हो। देखो बच्चों हम फिर से बताते हैं, हम ये बता रहे, देखो बेटा ये वाला जो पहली नंबर लाइन हमने बनाई है ये किसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये इस वाली सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका सॉल्यूशन तुमने लिखा था ना, ये देखो ये सॉल्यूशन लिखा है। तो मैंने बेटा माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री
और 3 से इंफिनिटी वाले रीजन को देखो मार्क किए। और बेटा देखो जो दूसरी नंबर लाइन है वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर, और इसका सॉल्यूशन क्या है ये देखो लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो देखो बेटा ये लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से 1 2 से इंफिनिटी। तो बेटा पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट पहली नंबर लाइन में और दूसरी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट दूसरी नंबर लाइन में। अब बेटा हमको दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन जो होगा वो आप देखिए कॉमन कहां है, ध्यान से देखिए माइनस 3 के पहले दोनों में कॉमन रीजन है और यहाँ 3 के आगे दोनों में कॉमन रीजन है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि कॉमन देखना होता है, तो कॉमन का मतलब उससे होते हैं जो दोनों में ही हो, उसका इसका मतलब। ओके, और किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो हमसे पूछे, ये मैंने आपको इंटरसेक्शन लेने का काफी आसान तरीका बताया है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये इंटरसेक्शन लेने का काफी आसान तरीका होता है, इससे और कोई आसान तरीका भी होता नहीं है, ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन अभी आपके लिए फिर से कर रहा हूं बच्चों, में एक क्वेश्चन आपके लिए भी हम फिर से कर रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना होगा, एक क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं आपको ध्यान देना होगा। तो जो हम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं वो आप फिर से ध्यान दीजिएगा। मानसी आपने काफी लेट ज्वाइन किया है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, क्वेश्चन है आपका सॉल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन। अगर आप हमारे साथ लिखेंगे भी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ देखते रहेंगे तो कम समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन है बच्चों आपका x अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1/4 एंड 6x अपॉन 4x माइनस 1 लेस देन हाफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको दोनों के सॉल्यूशन सेट निकालेंगे फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को आप ही को करना है, मैं थोड़ा बहुत करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि इनइक्वालिटीज में आप क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी मत करिएगा, आप क्या करिए जो 1/4 है उसको इधर ले आइए, ठीक है 1/4 को आप इधर ले आइए और इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको धीरे धीरे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4 टाइम्स 2x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये आएगा। और बच्चों जब आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 6x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस हाफ लेस देन 0, सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे। इतना लिखने के बाद इसको एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व करिए आराम से। जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4x माइनस 1, 8x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स 4x माइनस 1 लेस देन, ये आएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। हम सबसे पहले दो नंबर लाइन बना लेते हैं, ये पहली नंबर लाइन ये दूसरी नंबर लाइन, ठीक है बच्चों ये नंबर लाइन बना ली, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वो आप लिखना चाहें वो आपकी मर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम पहले वाले को कंसिडर करते हैं 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4 टाइम्स 2x प्लस 1, ऊपर नीचे दोनों को जीरो करेंगे तो वहां से x की वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस हाफ और एक बार आएगी प्लस हाफ, ठीक है ये आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा
जब आप अरेंज करेंगे वेवी स्कर मेथड से तो आपका आंसर ये वाला होगा। देखिए एक बार यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा। अब आपको कौन सा आंसर चाहिए? ग्रेटर देन जीरो वाला आंसर चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो वाला बेटा वो आंसर वही होगा जहां पर प्लस प्लस है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं और अपने सोल्यूशन को मार्क कर देते हैं। तो आपका सोल्यूशन आपको क्लियर है। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 1/2 से बड़ा, यानी कि 1/2 से इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। और एक सोल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी से -1/2, ठीक है बच्चों। अब दूसरा वाला फैक्टर देखिए जरा ध्यान से क्या आ रहा, 8x + 1 4x - 1, दोनों का जब आप जीरो करेंगे तो -1/8 आएगा और 1/4 आएगा। तो बच्चों -1/8 बड़ा होता है, तो -1/8 को आप इधर लिखेंगे, ये देखिए -1/8 आप -1/2 के आगे लिखेंगे, और 1/4 बच्चों 1/2 से छोटा होता है, तो 1/4 1/2 के पहले आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया है, लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों अब आपका सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, सॉल्यूशन सेट आपको कौन सा चाहिए, लेस देन जीरो वाला, यानी आपका जहां पे माइनस लिखा हुआ है ना वही सॉल्यूशन सेट होगा, यानी कि -1/8 से 4 के बीच में, क्योंकि आपको लेस देन जीरो वाला चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अपना जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया है हमको उसको हम डार्क कर दें। तो देखो बच्चों मैंने ये डार्क कर दिया, ठीक है। ये पहली वाली नंबर लाइन जो है पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी नंबर लाइन दूसरी वाली इक्वेशन। अब बेटा ध्यान से देख लो कि इसमें कोई कॉमन एक्स है, तो आप कहोगे सर नहीं इसमें तो कोई कॉमन एक्स है ही नहीं, क्योंकि इतने रीजन में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, इतने रीजन में भी कोई पार्ट कॉमन नहीं है, और इतने रीजन में भी कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो बेटा जब कॉमन एक्स नहीं होता है तो आप क्या वहां पे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, या तो लिखेंगे एक्स बिलोंग टू फाई और लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ऐसे भी आप ले सकते, क्योंकि कोई भी इसमें फाइनल आंसर नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन एक्स यहां पर नहीं। तो बच्चों ये बेसिक इन इक्वेशंस जो आपको यूज करनी है वो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दी है, अब आप समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोग से पूछ भी लेता हूं, क्योंकि काफी बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है। निखिल बेटा तुमने भी अभी ज्वाइन किया है, साक्षी ने भी अभी ज्वाइन किया है। ओके साक्षी, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, साक्षी। साक्षी आवाज आ रही तुमको? साक्षी बेटा तुमको आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं तुम लोग कैसे ज्वाइन करते हो, मेरी आवाज वगैरह पहुंच भी रही कि नहीं। ओके कार्तिक तुमको आवाज आ रही है बेटा मेरी? चलो अच्छा मैसेज कर रहे हो, ओके ओके ठीक है बेटा। तो हम लोग बच्चों उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं और आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। इनइक्वालिटीज जो हम लोग को यूज करनी थी वो हम लोग काम की अपनी समझ चुके हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने सेट्स की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग सेट्स को कंटिन्यू करते हैं, आगे समझते हैं कि सेट्स में हम लोग को आगे क्या करना है। तो देखिए बच्चों हम लोग सेट्स की तरफ वापस कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सेट्स में आप किस तरह से और काम करिए। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है सेट थ्योरी, आपको पूरी तरीके से विजिबल होगा। तो बच्चों हम लोग पिछले टर्न पे जितना कर चुके थे उसके आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, सभी बच्चे यहाँ पे नीचे देखिए मेरे मार्कर वहां पे चल रहा है, टेम्परेरी मार्कर वहां पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बच्चों वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने तरह से होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैबुलर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है। तो बच्चों यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म एक ही होता है और सेट बिल्डर फॉर्म अलग होता है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि आपने ये पार्ट काफी सारा अपने स्कूल में भी ऑलरेडी कर रखा है, तो ये किस तरह से इसके क्वेश्चंस करने हैं वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो ठीक है,
तो ज्यादातर बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पहले से पता होगा, पता है कि नहीं आप लोगों को ज्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म? नो सर। ओके, नहीं पता है तो ठीक है बेटा, हम अलग से बता देते हैं आपको। नो सर। हाँ कोई बात नहीं। तो बच्चों क्या करना होता है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है एलिमेंट्स का, नंबर का, आपको लिस्टिंग करनी है एलिमेंट्स की। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो आपका फर्स्ट एग्जांपल, जैसे लिखा है नेचुरल नंबर लेस देन फाइव, नेचुरल नंबर लेस देन फाइव, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर वन से चालू होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इनफाइनाइट, वन से लेके जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जो जीरो से चालू होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स लेस देन फाइव, दैट मींस बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको नेचुरल नंबर पांच से छोटे लेने, यानी कि चार तीन दो। तो बच्चों देखो मैंने एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी, इसी को कहते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर। ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश वॉवल्स के जितने भी सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होंगे, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होगा ए ई आई ओ यू। तो कुल मिलाकर के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर्स के फॉर्म में कि उस सेट में कितने नंबर्स है। ओके, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो एम है वो दो बार रिपीट हो रहा है, या टी जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, जो एलिमेंट्स दो बार रिपीट होते हैं वो सेट्स में दो बार नहीं लिखे जाते, सेट में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो सेट्स में नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि सेट्स दो तरह के होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी होती है। तो बच्चों मैं यहाँ पे मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं और ये थ्योरी आप अपनी जरूर कॉपी में लिखिएगा कि इन दिस फॉर्म द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग डाउन ऑल एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ लिस्ट या रोस्टर। लिस्ट को हम लोग रोस्टर भी कहते हैं, इन डिफरेंट एलिमेंट्स आर, मतलब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। और बच्चों ये आपको पार्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स भी बनाने होंगे, ठीक है, इस तरह से आपको क्या बनाने होंगे, ब्रैकेट्स भी बनाने होंगे। ओके, तो यहां तक सबको पार्ट क्लियर हो गई है, अब हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ, फिर इसके हम लोग एनसीईआरटी के दो चार क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा आपको भाषा बतानी पड़ती, कैसे भाषा बताएंगे जरा उसको बताने का तरीका समझिए। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है a इज इक्वल टू a e i o u। अब आप देख चुके हैं कि ये सेट के अंदर क्या लिखा है, a e i o u, ये वॉवल्स लिखे, लेकिन अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका देखिए, ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, लेकिन लोग इसको प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको प्रोनंसिएशन करना सिखा रहा हूं। कैसे प्रोनंसिएशन लिखेंगे आप, जो सबसे पहले लिखा है ना ये पार्ट x is to x, तो बच्चों उसको ऐसे प्रोनंसिएशन करते हैं, इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल x, क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवल, ठीक है ना। तो ये आपको हर क्वेश्चन में कॉमन बोलना है, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं x is defined such that, कई लोग बोलते हैं set of all x such that। तो ये जो बेटा बीच में ये दो जो डॉट्स लगाए हैं ना, ये बोलते हैं x is defined such that या set of all x such that, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो बेटा ये जो हमारे पास अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया वॉवल्स का, तो वॉवल्स को बच्चों देखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया, ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन किया, कैसे किया, x is defined या set of all x such that x is an English vowel। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों हम लोग और भी देख लेते हैं इसमें। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, लिखा है सेट बी ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स बिटवीन 0 to 100 इन सेट बिल्डर फॉर्म। 0 से 100 के बीच में अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों लिखा हुआ है सेट का नोटेशन बनाइए, ये सेट का नोटेशन होता है, नोटेशन बना के लिखिए अंदर। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, और इंटीजर ऐसा थोड़ी नहीं सारे ले लेंगे, वो इंटीजर आपके किसके बीच में लाई करते हैं 0 से 100 के बीच। तो बच्चों देखो ये डबल इनइक्वालिटी आ गई ना, ये मैंने आपको रीड करना बताई थी, उसको कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। ये आप कैसे रीड करते हैं कि एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 100, तो मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो बच्चों फिर से हम एक और नया सेट फिर डिफाइन करते हैं ई। क्या लिखा है, सबसे पहले देखो लिखा है सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ नेचुरल नंबर विच इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ 12। तो बच्चों पहले 12 के डिवाइजर लिख लो, मतलब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसमें आपको पता पड़ जाएंगे कि 12 के कितने फैक्टर होते हैं, वो आप लिख लीजिए। तो बेटा ये कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट होता है, जो आपके सामने हमने आपको पढ़ना सिखाया। कैसे बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फा, बैट्स वगैरह समझ गए होंगे आप। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि सेट दो तरीके के होते हैं। ओके तो बच्चों यहाँ पर मेरी बात सबको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू, और हेडिंग डालते हैं, या आप लोग को देखना है अभी कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब हम एक नई चीज आपको बताने जा रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो बेटा कार्डिनल नंबर ऐसी कोई हाईफाई चीज नहीं होती, कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो चाहे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, आपको करना ये होगा कि आपको देखना होगा कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो काउंट करने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे। जैसे सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, ए बी सी डी ई, ये 5 है। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 5। जैसे किसी ने लिख दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म, जरा देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, उसने लिखा है एक्स, कैसे बोला था पीछे से देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, बोलिए अब यहां पे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम इंटीजर। या प्राइम नंबर्स तो आप जानते हैं ना, प्राइम नंबर कहां से चालू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलते चले जाते हैं। तो सारे प्राइम नंबर्स तो ऑड होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है जो इवन होता है, वो कौन सा है इवन प्राइम इंटीजर, आप कहेंगे 2। तो इसका मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में बड़ा बड़ा सा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट कौन सा आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आएगा 2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। उसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। ओके बच्चों नेक्स्ट वाला हम लोग और देख लेते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल टी सच दैट टी इज अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग टी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू √-1 होता है, और √-1 तो डिफाइन ही नहीं होता, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन इसने टी क्या कहा है, इसने कहा है टी रियल होना चाहिए, यहां से तो टी निकलेगा ही नहीं, टी जो भी होगा वो तो कॉम्प्लेक्स होगा, रियल तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसके पास कार्डिनल नंबर में एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। इसका मतलब इस सेट सी का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें कैसा टी लेना है, रियल लेना है, कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं सारे बच्चों से एक बात पूछ लेता हूं, कौन कौन मौजूद हो गए हैं। ओके आशी, आकांक्षा, अभिनीत, निखिल, प्रिया, ऋषि, ओके कार्तिक, तुमको सर एग्जांपल में सर सेकंड वाला सर फिर से एक बार बता दीजिए, सेकंड वाला। ओके बेटा हम तुमको प्राइम नंबर्स बेटा एक बार बता देते हैं, शायद तुमको प्राइम नंबर्स नहीं क्लियर है। देखो बेटा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं 2,
मतलब प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो टू होता है, उसके बाद वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी कि थ्री मतलब उनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नाइनटीन, ये बेटा है। तो बेटा अब उसमें देखो तुम्हारे पास क्या लिखा है, तुम अपना क्वेश्चन देखो, तो उसमें लिखा है एक्स इज एन इवन प्राइम इंटीजर। तो बेटा इवन प्राइम इंटीजर क्या होता है, सिर्फ टू ही तो होता है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, इसका कार्डिनल नंबर हुआ वन, इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ वन, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा भले ही है लेकिन अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तो एलिमेंट आएगा टू, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ वन, क्या हुआ वन। सर वन क्यों नहीं आ सकता सर, किसका बेटा, बेटा प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टू, ओके सर समझ गया सर, प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टू, और बेटा वन तो सारे प्राइम इंटीजर्स का फैक्टर होता है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू, टू थ्री लाइक दिस। तो बेटा प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग टू से होती है, वन से नहीं होती। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग आगे और समझना चाहो तो और भी समझा सकते हैं, देख लो अगर अभी कम समझ में आया है तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो बच्चों क्या लिखा है, सबसे पहले ये लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, यानी एक्स आपको क्या लेने हैं, होल नंबर लेने, वो भी कौन से, जो पांच से छोटे हो। तो बेटा पांच से छोटे होल नंबर क्या होंगे, आप कहेंगे जीरो वन टू थ्री फोर, यही तो होंगे, क्योंकि पांच तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वालिटी थोड़ी नहीं लगी है पांच से छोटे। अब बेटा इसका कार्डिनल नंबर देखो जरा कितना है, इसका कार्डिनल नंबर है सेट ए का फाइव, इसमें पांच एलिमेंट है जीरो वन टू थ्री फोर, तो क्या ये ट्रू है, तुम कहोगे यस सर ये ट्रू है, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर फाइव है, ये ट्रू है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू और रॉन्ग, तो तुम कहोगे यस। सेट बिल्डर फॉर्म को जब मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पांच, इसका मतलब ये क्या है ट्रू। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन आप दूसरा और तीसरा घर पे भी कर लीजिएगा, ओके। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से आपको क्वेश्चंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग और बढ़ते हैं आगे और भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अब आपके सामने एक नई डेफिनेशन है, उसका नाम है सिंगलटन सेट। क्या नाम है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना, सिंगलटन सेट तो नाम से ही क्लियर है। A singleton set is a set which contains only one element. अगर किसी में सिर्फ एक ही element है तो वो कैसा होगा, singleton set. जैसे अभी हमने कहा था ना कि set of all x such that x is an even prime integer. तो ये क्या है, ये एक singleton set है, क्योंकि उसके अंदर number of elements कितने हैं, सिर्फ one. तो बेटा ये तो सिर्फ डराने के लिए, तो आप याद रखेंगे सिंगलटन सेट अगर कोई है तो उसके अंदर नंबर ऑफ, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, उसका कार्डिनल नंबर वन होगा, ठीक है ना, ओके। सबको बात ये हमारी क्लियर हो गई होगी, सभी बच्चों को, ओके। तो सभी बच्चों को हमारी बात यहाँ पर क्लियर है, अब हम लोग आगे और भी कंटिन्यूएशन में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया है, जरा देख लीजिए, एम्प्टी नल और वाइट सेट। तो बेटा एम्प्टी सेट हो या आप नल सेट कहिए या आप वाइट सेट कहिए, इन सब का मतलब एक ही होता है, चाहे आप एम्प्टी कहिए चाहे नल कहिए चाहे वाइट कहिए, ठीक है बच्चों। इसका मतलब सभी बच्चों को पता है कि इस सेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, इसलिए तो उसको हम एम्प्टी सेट कह रहे हैं। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब फाई से। तो चलो हम लोग पढ़ के बताते हैं, अ नल सेट इज सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट आल्सो नोन एज वाइट सेट, एम्प्टी सेट, और फाई भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फाई, और जीरो सेट भी कहते हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम्प्टी, मतलब खाली, मतलब कुछ है ही नहीं, खाली है ना, तो ये तो ऐसा ही कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी समझ सकता है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन जरा करके देखते हैं, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स।
क्या लिखा है? ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन थ्री. ये तो कोई बात ही नहीं हुई. कह रहा है एक्स लेस देन वन भी है, एक्स ग्रेटर देन थ्री भी है. तो बच्चों ये तो अभी हमने नंबर लाइन में आपको बताया था. क्यों भाई? ये बच्चों अभी हमने नंबर लाइन बताया था कि वन से छोटा मतलब एक्स लेस देन वन ये हुआ, और थ्री थ्री से बड़ा मतलब ये हुआ. तो बेटा इसमें कोई कॉमन एक्स है क्या? कोई भी कॉमन एक्स नहीं है, क्योंकि कह रहा है एक्स वन से भी छोटा हो, एक्स थ्री से भी छोटा हो, और एंड का मतलब हमको कॉमन लेना होता है. दोनों में ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वन से भी छोटा हो थ्री से बड़ा हो. इसका मतलब ये कैसा हो गया? नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया. कैसा सेट हो गया? नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसको हम सीधा सीधा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते. ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री एंड एक्स इज अ रेशनल नंबर. आप कहोगे सर टू और थ्री के बीच में तो खूब सारे रेशनल नंबर होते हैं. क्यों? टू और थ्री के बीच में खूब सारे रेशनल नंबर होंगे. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.15, 2.16, 2.167 इनफाइनाइट होंगे रेशनल नंबर. तो ये तो बेटा कहीं से एम्प्टी सेट है ही नहीं. तो ये हो जाएगा बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट. मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि सेट्स में किस तरह से थ्योरी कवर की जाती है. क्योंकि जिस बच्चे को सेट की थ्योरी नहीं कवर होगी उसको क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है. क्योंकि सेट्स के क्वेश्चन बिना थ्योरी के होते ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी पे ही बना है. चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई हेडिंग डालते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. क्या लिखा है? हमारे साथ पढ़ लेते हैं. चलिए हमारे साथ पढ़िए क्या लिखा है. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज फाइनाइट, नाम सही क्लियर, देन सच अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट then it's called infinite. तो ये आप खुद ही बता सकते हैं. अगर किसी ने कह दिया set of natural numbers, तो मतलब उसने तो natural numbers बोले ही नहीं कहां से कहां तक. अगर set of natural numbers बोला तो वो तो infinite set हो गया, क्योंकि वो तो खूब सारे होते, खत्म ही नहीं होंगे, है ना? जैसे मुकेश अंबानी का रुपया कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. इनफाइनाइट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उसका रुपया दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. ओके okay. तो क्या है? द सेट ऑफ ऑल इवन, समझ गए होंगे, मतलब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स खूब सारे हैं तो इनफाइनाइट, और अगर काउंटेबल है लिमिटेड है तो फाइनाइट. ठीक है ना? जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 24 के फैक्टर्स, तो 24 के फैक्टर्स तो फाइनाइट होंगे ना. तो 24 के जो भी फैक्टर होंगे तो सेट, सेट को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हेडिंग. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हेडिंग, उसका नाम है इक्वल सेट. क्या नाम है? इक्वल सेट. अब बच्चों यहाँ पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस. तो बेटा जब आप पढ़ोगे तभी समझ पाओगे. ओके, तो अब हम देख लेते हैं किसी बच्चे को कोई समस्या. ओके कार्तिक, तुमको बेटा मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक, आकांक्षा, तुमको मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर. ओके, पहले भी आ रही थी ना? ओके. तो यहाँ पर क्या लिखा है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ओके. तो यहाँ पे लिखा है two sets A and B are said to be equal if every element of A is also present in B and vice versa. जैसे देखो बेटा यहाँ पर क्या elements है? 6, 1, 3, 4. यहाँ पे देखो 6, 1, 3, 4. हर element मौजूद है, यानी कि elements आपके क्या होने चाहिए? Identical होने चाहिए, तभी वो equal sets हैं. मतलब पहले set में 3, 5, 4 तो दूसरे set में भी 3, 5, 4. पहले सेट में 4, 6 हो तो दूसरे सेट में भी 4, 6 हो. मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, तब हम उसको इक्वल सेट्स कहेंगे. लेकिन इक्वल सेट्स, इक्वलेंट सेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो.
मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर देखो ये दोनों इक्वलेंट सेट्स हैं, क्योंकि इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर है 2 और बी वाले का भी कार्डिनल नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब ये क्या है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि उनके कार्डिनल नंबर क्या होने चाहिए, उनके कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों इधर देखिए, सब लोग इधर मेरी तरफ देखिए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। क्या लिखा है, लिखा है आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। फिर क्या लिखा है n इज डिफाइंड सच दैट, ये 2n लिखा हुआ है गलती से, इसको 2 मत लीजिए, n ही है, शायद थोड़ा सा गलत लिख गया ये। ओके सेकंड पार्ट देख लो, पहले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन होगा, सेकंड पार्ट देख लो m। अब आपको पढ़ने तो आ ही गया होगा इतनी देर में सेट्स, अब आप खुद से पढ़िए और सॉल्व करिए और बताइए वो इक्वल है कि नहीं है। जैसे क्या लिखा है इधर देखिए, x प्लस 3 लेस देन 8 लिखा है। तो बच्चों अगर x प्लस 3 लेस देन 8 लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, और अगर आप होल नंबर लेंगे तो होल नंबर क्या आएंगे 5 से छोटे, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब बच्चों आपके पास ये दूसरी इक्वेशन, उसको देखिए, उसमें कह रहा है कि जो आपकी डेफिनेशन है वो y क्या है 2n-1 है, और यहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर, और ये n क्या लेना है आपको 5 से छोटा लेना है। तो चलिए हम 5 से छोटा डालते हैं, पहले 4 डालते हैं, जब 4 डालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 × 8, 8-1 क्या आ जाएगा, 8-1 क्या आएगा 7। ओके फिर क्या डालना है 5 से छोटा, 5 से छोटा 4 डल गया, 4 के बाद क्या डलेगा 3, 3 × 6, 6-1, 5, फिर 3 के बाद 2, 2 × 4, 4-1, 3, फिर 2 के बाद 1, 2-1, 1। इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आए हैं, यहाँ पर आए हैं 1, 3, 5, 7। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये इक्वल सेट है, नहीं ये इक्वल सेट नहीं है बी वाला, क्यों, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0, 1, 2, 3, 4 है, वो उसके साथ आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स जब आइडेंटिकल होंगे तभी वो इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब सेट M एंड N आर नॉट इक्वल। तो मैंने आपको यहाँ पर इक्वलेंट सेट तक पढ़ा दिया है, आप काफी ज्यादा इसमें समझ गए होंगे। ओके अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और एनसीईआरटी के भी कर लेते हैं। सभी बच्चे ऐसे काम करिए, आखिरी में क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ इसके क्वेश्चंस करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा है। चलिए भाई तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x इज एन इंटीजर और -3 से 7 के बीच में। तो बेटा -3 से 7 के बीच में जो इंटीजर आएंगे वो क्या आएंगे, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो वो आपसे पूछ लिए, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा पार्ट देखिए बच्चों क्या लिखा है, x बिलोंग टू x इज नेचुरल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप देख लीजिए 6 से छोटे नेचुरल नंबर ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है थर्ड पार्ट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनकी डिजिट्स का सम 8 है वो 17, 26, ये इस तरह से इनकी डिजिट्स का सम 8 है। ये सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस तरीके से पहचाना और इसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, x is a prime number which is a divisor of 60. पहले 60 के divisor लिख लो और उसमें पहचान लो जितने prime numbers हैं उनको represent कर दो tabular form में या roster form। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, trigonometry लिखा हुआ है, trigonometry के सारे elements को represent कर सकते हैं आप किसमें, tabular form में, batter को भी represent कर सकते हैं, बस
आपको रिपीट लेटर नहीं करने होंगे। मैंने जो आपके सामने सॉल्यूशन लिखा रखा है वो है। ओके बच्चों, अब हम लोग रिवर्स काम कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जस्ट इसका उल्टा काम होगा। उल्टा काम होने का मतलब ओके, किसने मैसेज किया है? बेटा ये फर्स्ट चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर आपका। ओके सर। ओके तो तुम्हारी बेटा आवाज बहुत गूंजती है। चलो हॉल में बैठे क्यों? कौन बैठा है हॉल में बैठ के पढ़ रहे हो? नहीं सर, कमरे में ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे लग रहा है कि एकदम लाउड स्पीकर से बोल रहे हो। जी सर। सर यहाँ पर भी बहुत मतलब इको सुनाई देता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जी सर। तो बेटा आपको जो हम करा रहे हैं उतना ही करना है कि हम थोड़ी देर में आपको जो है नोट्स तो भेज ही देंगे और होमवर्क भी आपको कल तक भेज देंगे। तो आप आराम से करिएगा, फिर हम लोग उसका डिस्कशन भी करेंगे। नोट्स होमवर्क मैं आपको भेज देता हूँ सब अलग से, जैसे मैंने पिछले टर्म पे भी थोड़ी देर बाद आपको सब भेज दिया था रात, वैसे मैं आज भी आपको रात तक सब भेज दूंगा। होमवर्क भी आपको कल तक दे दूंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर, सॉरी अब बेटा देख लो, ये उल्टा काम है जिस बच्चों को अभी भी बहुत कम समझ में आया हो, मेरे हिसाब से पूरा आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डिस्क्राइब करके आपको बहुत देर तक समझाया है। अब आपको बेटो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो आप पहचानिए क्या है 3, 6, 9, 12। तो आप कहेंगे ये तो सर 3 के सब मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू 3n। अगर मान लो 2 के मल्टीपल होते तो हम 2n लिखते, 3 के मल्टीपल होते तो 3n लिखते। अब 3n लिख के छोड़ थोड़ देंगे, ये n डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें खूब सारे एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट है। तो आपको रेस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि ये एन कहां से जा रहा है, ये एक एन नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर के 4 के बीच में लाई करता है। और एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर अगर हम ऐसे लिख लें कोई और तरीके से, तो कोई और तरीका इसमें नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 से लेकर के 5 ऐसे आप लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर 4 होगा और 4 एक्सेप्टेड है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, ये भी आपको क्लियर है, ये सब 2 की पावर्स है। जैसे 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है, ठीक है ना। तो x is a set of all x such that x is equal to 2 की पावर n, n belong to natural number, और यहाँ पर n यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, 2, 4, 6... उसका मतलब ये क्या है, ये सब इवन नेचुरल नंबर है और ये एक इनफाइनाइट सेट है। जब डॉट 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 लग जाए तो समझ जाइएगा उसमें इनफाइनाइट सेट हो गया ये। तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x is defined such that, या set of all x such that x is an even natural number। तो यहां तक सबको क्लियर है? ओके, यहां तक सबको क्लियर है ना। आगे वाला क्वेश्चन भी आपको कर सकते हैं खुद से ही। ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n square, और जहां पर n जो होगा 1 से 10 के बीच में लाई करेगा। 1 डालेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो मतलब x is equal to n square में, x is equal to n square में आप जो n है वो 1 डाल दीजिए, फिर 2 डाल दीजिए, फिर 3 डाल दीजिए, ऐसे करके आप 10 तक डालेंगे तो आपके सारे आंसर्स जो रोस्टर फॉर्म में गिवन था वो सारे निकल करके आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये आज की क्लास है, तो मैंने आपको आपको काफी सारा समझा दिया है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो
अब ये मान के चलिए कि आप पहली एक्सरसाइज सेट की बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इवन सेट की आप दूसरी एक्सरसाइज भी काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कार्डिनल नंबर भी क्लियर कर दिया है, इक्वलेंट सेट्स भी क्लियर कर दिए हैं, इक्वल सेट्स भी क्लियर कर दिए हैं, तो जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है सेट्स की वो बहुत आप आसान तरीके से कर सकते हैं, और जो इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप हमारे वाले क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करने आ जाएंगी। और किसी को कोई समस्या हो तो वो हमसे अभी बात कर सकता है, क्योंकि आपकी क्लास 4 से लेकर 5:15 तक है, तो वो क्लास जो है अभी उसका टाइम हो गया है, और किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो हमसे पूछ सकता है, मैं उसकी डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है, मैं बच्चों का नाम ले लेता हूँ, निखिल, कांशा, कर्षण, आशी, आशु, मानसी, कुछ पूछना है तो हमसे कोई बच्चा पूछ सकता है। आकांक्षा कुछ बोलना चाहती हो बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चों, अब आपकी जो है 5:30 बजे शायद नेक्स्ट क्लास है, ये क्लास आप ओवर हो चुकी है, अगर आप लीव आउट करना चाहें तो आप लीव कर सकते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू।